तो कैसे हैकर्स ने बिग कॉरपोरेट्स एंड यूएस की सभी एजेंसीज को 9 मंथ के लिए हैक किया था, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए आज, जिसमें हम वही डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप सभी ने टाइटल एंड थंबनेल में देख लिया है कि आज हम एक डेकेड के सबसे बड़े अटैक के बारे में डिस्कस करेंगे, तो उसको समझने के लिए उसकी कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं जिसको जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो अटैक एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको कुछ टर्म्स के बारे में बताऊंगा जिसका जानना बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स बिगिन। सो बिफोर आई स्टार्ट, मैं आपको मेरा एंड इस चैनल का मोटिव बता देता हूँ। सो बेसिकली मैं एक साइबर सिक्योरिटी स्टूडेंट हूँ, तो मुझे अटैक्स के बारे में स्टडी करना बहुत पसंद है एंड इस चैनल पर मैंने ऐसे ही अटैक्स के बारे में वीडियोज़ बनाए हैं। सो एज अ स्टूडेंट, जब भी मुझे ऐसी कोई न्यूज़ मिलती है अटैक के बारे में, तो मैं उसको स्टडी करना स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि ऐसे इंसिडेंट्स पर रिसर्च करने से हमारी नॉलेज भी बढ़ती है। एंड अगर आप भी एक कंप्यूटर स्टूडेंट हैं या फिर आपको साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट है, तो आपको भी स्टडी करनी चाहिए ऐसे अटैक्स के ऊपर। ऐसे अटैक्स पर रिसर्च करने से मुझे डिफरेंट सॉर्ट ऑफ अटैक्स, ट्रिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता चलता है एंड इसी नॉलेज को मैं फिर आगे बढ़ाने पे बिलीव करता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। सो जो सबसे पहला टर्म है हमें जो समझना है वो है ट्रोजन। सो ट्रोजन एक सॉर्ट ऑफ मालवेयर है, मीन्स एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हार्म करने के इंटेंशन से बनाया गया है। बेसिकली ट्रोजन आपको एक सॉफ्टवेयर के अंदर एम्बेडेड मिलेगा। मीन्स सपोज आपने कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया, लेट्स से आपने VLC मीडिया प्लेयर डाउनलोड किया, लेकिन जहाँ से भी आपने डाउनलोड किया वहाँ सोर्स पर किसी ने उसको इन्फेक्टेड या ट्रोजन एम्बेडेड वर्जन अपलोड किया था। आपने जैसे ही इसको इंस्टॉल किया, उसके बाद आपने इसको यूज़ करना स्टार्ट किया, तो बैकग्राउंड में साथ साथ ट्रोजन भी चलने लगेगा एंड ट्रोजन को एक लेजिटमेट सॉफ्टवेयर में छुप कर ही आता है, आपके सिस्टम को इन्फेक्ट या हार्म करना स्टार्ट कर देता है। एंड ट्रोजन को भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं ट्रोजन के, उसको हम कई फर्दर वीडियोस में देखेंगे। तो जो दूसरा कॉन्सेप्ट हमको समझना है वो है नेटवर्क मॉनिटरिंग टूल्स का। सो यूजुअली आपको पता होगा कि जब हम नेटवर्क बिल्ड करते हैं तो हमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस का यूज़ करते हैं, जैसे कि राउटर, स्विचेस, सर्वर्स, फायरवॉल्स, केबल एक्सेट्रा। सो NMT यानी कि नेटवर्क मॉनिटरिंग टूल एक सॉफ्टवेयर होता है जो नेटवर्क एडमिन्स यूज़ करते हैं, जिसे यूज़ करके वो पूरे अपने नेटवर्क्स पर नज़र रख सकते हैं, लाइक कौन सा डिवाइस स्लो चल रहा है, कौन सा डिवाइस में प्रॉब्लम है, कौन सा डिवाइस कितना बैंडविड्थ यूज़ कर रहा है। मतलब उनको एक कॉमन पॉइंट मिल जाता है जहाँ से वो पूरे नेटवर्क पर मॉनिटर कर सकते हैं। तीसरा टर्म हमको जो समझना है वो है सप्लाई चेन अटैक। सप्लाई चेन अटैक एक सॉर्ट ऑफ अटैक है। तो ये अटैक कैसे परफॉर्म होता है मैं आपको बताता हूँ। सपोज आपने एक कंपनी खोली XYZ जो एक प्रोडक्ट बेचती है या फिर कोई सर्विस प्रोवाइड करती है, लेकिन थ्रू आउट द प्रोसेस आपकी कंपनी कोई और भी प्रोडक्ट या सर्विस यूज़ करती है इन ऑर्डर टू मेक देयर ओन प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल आपकी बिस्किट्स की कंपनी है, तो बिस्किट्स बनाने के लिए आपको आटे की ज़रूरत पड़ेगी एंड आप आटा थर्ड पार्टी से लेते हो, तो अटैकर क्या करता है, वो आपको हार्म पहुँचाने के लिए उस थर्ड पार्टी पर अटैक करता है जिसके थ्रू वो आपको भी टारगेट बनाता है। सो वैसे ही साइबर सिक्योरिटी में अगर मुझे कोई बिग कंपनी पर अटैक करना हो, तो मैं उस कंपनी को सप्लाई चेन देखकर वीकेस्ट पॉइंट पर अटैक करूँगा, जिससे मुझे उस बड़ी कंपनी को हार्म पहुँचाने में आसानी होगी। चौथा जो टर्म हमको समझना है वो स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक है। सो हैकर्स यानी कि अटैकर्स जो बड़े बड़े अटैक करते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे कि अगर कोई इंडिविजुअल कर रहा है तो वो अकेला ही अटैक करेगा, अगर कोई ग्रुप कर रहा है तो वो साथ मिलकर अटैक करेगा। वैसे ही हो सकता है कि कंट्री भी कुछ अटैकर्स को हायर करती है एंड उनके थ्रू दूसरी कंट्री पर अटैक कराती है, उनको यूज़ करके वो बड़े बड़े अटैक करवा सकती है, जिसको हम स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक बोलते हैं, जिसके पीछे किसी नेशन का हाथ होता ही ज़रूर। तो इसको एक टाइप ऑफ वॉर भी बोलते हैं हम, लेकिन इसको हम साइबर वॉरफेयर बोलते हैं, यानी कि एक कंट्री दूसरी कंट्री पर डिजिटल वॉर करती है। सो बेसिकली मैं आपको जितने भी टर्म्स अभी एक्सप्लेन किया उसको आप अपने माइंड में रखिए एंड आगे की स्टोरी सुनिए, तो आपको ये अटैक बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सो आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त एक मैप देख रहे होंगे। सो मैं आपको पहले सब प्लेयर्स के बारे में बताता हूँ कि कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है, यानी कि किस पे अटैक हुआ, किसने अटैक किया, किसके थ्रू अटैक हुआ, सबके बारे में आपको मैं बताता हूँ। तो यहाँ पहले सबसे आप देख सकते हैं मैंने सबको लेबल दिया हुआ है। तो जो लेबल नंबर 1 है वो है SolarWinds। सो SolarWinds एक अमेरिकन बेस्ड कंपनी है जो सॉफ्टवेयर डेवलप करती है रिलेटेड टू नेटवर्क सिस्टम्स एंड IT इंफ्रास्ट्रक्चर। लेबल नंबर 2 मैंने दिया है ओरियन करके एक सॉफ्टवेयर को। हाँ, सो ओरियन एक SolarWinds का सॉफ्टवेयर है जो NMT है, यानी कि नेटवर्क मॉनिटरिंग टूल्स, जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था। तो ओरियन एक नेटवर्क मॉनिटरिंग टूल्स है SolarWinds कंपनी का। तीसरा लेबल है FireEye। FireEye एक अमेरिकन बेस्ड साइबर सिक्योरिटी कंपनी है जो सिक्योरिटी रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करती है, लाइक डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन फ्रॉम साइबर अटैक्स, बेसिकली कंप्लीट सूट प्रोवाइड करती है सिक्योरिटी रिलेटेड। इसके कस्टमर्स भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है, कॉरपोरेट्स हैं, MNCs हैं, बहुत सारी गवर्नमेंट एजेंसीज भी इसकी कस्टमर है FireEye की। चौथा लेबल दिया है मैंने रेड टीम टूल्स को।
तो जो FireEye का एक टूल है, बंच ऑफ टूल्स है, उसको FireEye ने नाम दिया है रेड टीम टूल्स, ठीक है, इसको भी आप देख लीजिए। अब मैं आपको एक्चुअल इवेंट बताता हूँ कि हुआ क्या था। तो 8th of December 8 तारीख को 2020 को FireEye जो सिक्योरिटी रिलेटेड कंपनी है उसने डिस्क्लोज़ किया कि उनकी खुद की कंपनी पे एक अटैक हो गया है और हैकर्स ने उनके ये रेड टीम टूल्स चुरा लिए जिसका वो यूज़ करते थे इंस्पेक्शन के लिए। उसके बाद FireEye ने इन्वेस्टिगेशन किया कि अटैक परफॉर्म कैसे हुआ। तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनको पता चला कि वो अटैक एक सॉफ्टवेयर के थ्रू परफॉर्म हुआ जो वो यूज़ करते थे, एंड उस सॉफ्टवेयर का नाम है ओरियन, जो मैंने आपको इससे पहले बताया NMT टूल था वो। एंड ओरियन ये एक सोलार विंड कंपनी का सॉफ्टवेयर है। 12 दिसंबर 2020 को FireEye ने सोलार विंड्स को बताया कि अटैक उनके सॉफ्टवेयर ओरियन को यूज़ करते हुए किया गया है। 13 दिसंबर को FireEye ने पूरे वर्ल्ड को बता डाला कि जो उन पर अटैक हुआ है वो सिर्फ उन पर नहीं हुआ है, जो भी ओरियन सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं वो अभी इस वक्त वल्नरेबल हैं। तो सोलार विंड्स एक बहुत बड़ी जायंट कंपनी है जिसके कस्टमर्स बड़ी बड़ी MNCs हैं, कॉरपोरेट सेक्टर्स के बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज है, US की बहुत सारी हेल्थ डिपार्टमेंट की कंपनीज हैं, US के यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये जितने भी हैं ये सोलार विंड्स के कस्टमर हैं जो ओरियन सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं। तो सोलार विंड्स के ऑफिशियल कस्टमर बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जिन्होंने भी ओरियन को इंस्टॉल किया उसके बाद जो अपडेट इंस्टॉल किया उसमें लिस्ट में 18,000 कंपनीज़ के नाम हैं जिन्होंने उसको इंस्टॉल किया। तो लेटर इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ये अटैक मार्च 2020 में स्टार्ट हुआ था। अटैकर्स ने तभी ओरियन के अपडेट को ट्रोजनाइज्ड किया था। तो थोड़ा इस चीज़ को मैं सिंपली एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज़ आप एक सॉफ्टवेयर कंपनी चलाते हैं, आपने अपने सॉफ्टवेयर का न्यू वर्जन रिलीज़ किया, मे बी न्यू फीचर हो सकता है या फिर कोई इशूज आपने फिक्स किए हो या अपने परफॉर्मेंस को इन्हांस किया था, XYZ जो भी है, आपने एक न्यू अपडेट रिलीज़ किया। तो वो अपडेट आप डिजिटली साइन करते हैं, राइट, कि हमारी तरफ से ये अपडेट है, ये फेक अपडेट नहीं है, ताकि इंटीग्रिटी मेंटेन हो। तो हैकर्स ने क्या किया, सोलारविंड्स के सॉफ्टवेयर ओरियन को रिलीज़ से पहले ही ट्रोजनाइज्ड कर दिया। अब ये कैसे किया ये अभी तक रिवील नहीं हुआ कि हैकर्स ने सोलारविंड्स को कैसे, सोलारविंड्स का ओरियन सॉफ्टवेयर के अपडेट को कैसे ट्रोजनाइज किया ये अभी तक रिवील नहीं है, लेकिन उसको ट्रोजनाइज कर दिया। उसके बाद रिलीज़ होने के बाद वो कस्टमर तक पहुँच गया एंड कस्टमर्स ने इसको इंस्टॉल भी कर लिया। अब इसकी विक्टिम की लिस्ट बहुत बड़ी है क्योंकि 18,000 लोगों ने इस अपडेट को इंस्टॉल किया था और इसमें फॉर्च्यून 500 में से 425 कंपनी हैं जो इसको यूज़ करती हैं ओरियन सॉफ्टवेयर को, और इन्होंने इंस्टॉल भी कर लिया था। तो टोटल 18,000 यूज़र्स ने ओरियन का ट्रोजनाइज अपडेट इंस्टॉल कर लिया, जिसमें से 198 अफेक्टेड हैं जो अभी खुलकर आए हैं बाहर कि हम अफेक्टेड हैं, 198 कंपनीज ने एक्सेप्ट किया है। तो यहाँ पर स्ट्रेटेजी बहुत भारी वाली यूज़ करी हैकर्स ने। स्ट्रेटेजी की बात करते हैं तो देखो, वैसे तो अपडेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कोई भी सॉफ्टवेयर हो, ठीक है, या ऑपरेटिंग सिस्टम हो, क्योंकि वो डिजिटली साइन होता है, तो हमको लगता है कि यार हाँ ऑफिशियली अपडेटेड है, मुझे करना चाहिए इसको अपडेट। इसी का फ़ायदा उठाते हुए हैकर्स ने क्या किया, एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी बनाई कि वो एक सॉफ्टवेयर अपडेट को ही ट्रोजनाइज कर देंगे, ताकि इसको तो भाई सब लोग इंस्टॉल करेंगे, कितनी भी बड़ी कंपनी हो, कितनी भी बड़ी सिक्योरिटी हो, इसको तो सभी इंस्टॉल करेंगे। एंड एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी उठ रहा था कि इतने दिन तक अनडिटेक्टेड क्यों रहा, क्योंकि ये रिलीज़ तो मार्च 2020 में ही हो गया था और डिटेक्ट ये फिर दिसंबर 8 को हुआ 2020 में, जिसको FireEye ने सबसे पहले डिस्क्लोज किया। तो पूरा 9 मंथ तक ये डिटेक्ट ही नहीं हो पाया था। तो इसका बहुत बड़ा रीज़न ये है कि ये एक स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक है, तो ये बहुत बड़े स्केल पर किया गया एंड इसको बहुत क्लीनअपली बिल्ड किया गया था एंड इसको बहुत क्लीनली अटैक परफॉर्म किया गया। जैसे कि इसके अंदर एक कोड लिखा हुआ था जो एंटीवायरस को डिसेबल कर देता है या फिर एंटीवायरस को स्किप कर देता है, तो वहाँ भी नहीं डिटेक्ट होता है। एंड ये क्योंकि ड्यूली साइन था तो इसीलिए बहुत ज़्यादा देर तक ये डिटेक्ट नहीं हो पाया। अब इसके पीछे किसका हाथ है ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो FireEye जब से अटैक हुआ है तब से इसको स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक ही बता रहे हैं, हालांकि उन्होंने किसी कंट्री का नाम नहीं लिया, लेकिन काफ़ी सिक्योरिटी रिसर्चर्स का मानना है कि ये रशिया करा रहा है। रशिया की एक एजेंसी है, साइबर एजेंसी SVR, उसको पॉइंट कर रहे हैं रिसर्चर्स। तो देखते हैं इतने बड़े स्केल पे इतना क्लीन अटैक करना, मुझे भी सच में ये एक स्टेट स्पॉन्सर अटैक लग रहा है, क्योंकि ये कोई नॉर्मल ग्रुप के बस की बात नहीं है। वेल, इम्पैक्ट तो इसका ह्यूज था क्योंकि इस अटैक के विक्टिम भी ज़्यादा थे एंड जितने भी थे सब बड़ी बड़ी कंपनीज थे, कॉरपोरेट्स थे, सीक्रेट एजेंसीज थी, यूनिवर्सिटीज़ थी, हॉस्पिटल्स थी, MNCs थी। तो 18,000 कस्टमर्स इससे इम्पेक्टेड थे, जिसमें से 425 तो फॉर्च्यून कंपनीज थी एंड हैकर ये
यहाँ एक इंटरेस्टिंग थियोरी यूज़ करी उसने, हैकर्स ने। एक शातिर हैकर क्या करता है राइट, मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। जैसे कि आपको किसी के मेल का एक्सेस मिल गया तो आप क्या करोगे, ठीक है, सपोज़ करिए कि आपको किसी के मेल का एक्सेस मिल गया, मेल आईडी का, तो आप क्या करोगे ज़्यादा से ज़्यादा, आप उसी दिन उसको डेटा एक्सट्रैक्ट करोगे, यानी कि पुराने ईमेल से डेटा निकालोगे एंड फिर बाहर निकल जाओगे राइट। लेकिन एक शातिर हैकर क्या करता है इस सिचुएशन में, वो छुपके से अंदर ही बैठा होता है एंड पुराने मेल भी पढ़ता रहता है धीरे धीरे, एंड यूज़र को पता ही नहीं लगने देता कि वो अंदर घुस चुका है। फिर वो न्यू मेल्स का भी इंतज़ार करता है, यानी कि उसको डेटा की और भूख है। इसको हम बोलते हैं मास्टर एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि वंस आपने अटैक कर दिया तो आपको एक्सप्लॉयटेशन भी करना आना चाहिए। तो हैकर ने वो यहाँ यूज़ किया, उन्होंने अटैक तो मार्च 2020 में ही कर दिया था। वो अगर चाहते तो बहुत जल्दी जल्दी डेटा कलेक्ट करते एंड वन मंथ के अंदर वो बाहर आ जाते सब चीज़ों से, लेकिन उन्होंने वेट किया। 2020 दिसंबर में वो डिटेक्ट हुए। हालांकि इसका वन ऑफ द रीज़न ये कि उन्होंने जो स्क्रिप्ट लिखी थी मालवेयर, उसमें ऐसा था कि दो दो वीक के बाद वो एग्जीक्यूट होता था, तो उसमें भी ज़्यादा ज़्यादा समय लग गया। इस वजह से भी ये बहुत लेटली डिटेक्ट हुआ एंड बहुत ज़्यादा देर तक वो अंदर रह पाए। हालांकि डिटेक्ट होने के बाद सोलर विंड्स ने इसका पैच रिलीज़ कर दिया 24 दिसंबर को, एंड जितने भी लोग इन्फेक्टेड थे उनको ये इंस्टॉल करना पड़ेगा ताकि वो आगे सेफ रह पाए। तो अब बात करते हैं कंक्लूजन की। तो देखो यार, इस पूरे इंसिडेंट से हमें क्या सीखने मिला। तो नंबर वन चीज़ हमको ये पता चली कि हैकर सब ज़्यादा सीरियस टाइप के अटैक करने लगे और वो इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। सोचो अगर ये हैकर्स सभी कंपनीज को डिजिटली हार्म करते तो इनका ट्रिलियंस में नुकसान होता। अभी तक इन्होंने ज़्यादातर कंपनीज को हार्म नहीं किया है, जितना इनके पास एक्सेस था, जितने टाइम तक ये दूसरों के नेटवर्क्स में इन्वॉल्व थे, ये चाहते तो बहुत ट्रिलियंस का नुकसान कर सकते थे। तो अब हैकर्स जो हैं वो ऐसे सीरियस टाइप के अटैक में इंटरेस्ट ले रहे हैं। दूसरी चीज़ हमको ये सीखने मिली कि जो सप्लाई चेन अटैक होता है ये सबसे बुरा अटैक है, यानी कि इसमें कंपनीज की कई बार गलती भी नहीं होती, जस्ट बिकॉज वो एक थर्ड पार्टी का यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर वो फ्लॉ में आ जाते हैं, यानी कि वहाँ पर उनकी कोई फ्लॉ है नहीं लेकिन बस उनका यही फ्लॉ है कि वो थर्ड पार्टी पर डिपेंडेंट है। तो सप्लाई चेन एक वन ऑफ द वर्स्ट अटैक है फॉर अ कंपनी। तो इसको कैसे टैकल किया जाए फ्यूचर में, सिक्योरिटी रिसर्चर्स इसके बारे में भी सोचेंगे। तीसरी चीज़ हमको एक बात और पता चली कि अटैकर्स को बस एक सिंपल सा गैप चाहिए होता है, यानी कि जो सिक्योर करने वाले हैं उनके ऊपर तो मतलब हर गैप को फुल करने की जिम्मेदारी होती है, लेकिन अटैकर्स को बस एक ही पॉइंट चाहिए होता है एंड अपोजिट में जो सिक्योर कर रहा है उसको हर एक पॉइंट को सिक्योर करना होता है। चौथी बात जो हमें सीखने को मिली कि अटैकर्स मास्टर एक्सप्लॉयटेशन पर ही बिलीव रखते हैं, यानी कि वो अब ज़्यादातर ऐसा नहीं है कि बस आज अटैक किया एंड कल न्यूज़ बाहर आ गई, वो अब ज़्यादा से ज़्यादा समय अंदर गुजारने लगे हैं। वंस वो एक्सेस कर लेते हैं कोई भी नेटवर्क या फिर कोई सिस्टम का, तो उसको एक्सप्लॉयटेशन करने में भी इंटरेस्ट रखने लगे, नई नई टेक्निक सीखने लगे। लाइक उन्होंने इस वाले में एंटीवायरस को ही स्किप कर दिया था, वो एंटीवायरस से भी डिटेक्ट नहीं हो पा रहे थे एंड उन्होंने अपडेट्स को चुना, तो बहुत डेंजरस था ये क्योंकि बहुत सारी कंपनीज अपने सॉफ्टवेयर को ऑटो अपडेट्स पर रखती हैं ताकि वो कुछ मिस ना कर पाए, नया फीचर या कोई इश्यूज फिक्स हो जाए फटाफट, इसीलिए वो ऑटो अपडेट पर रखती कंपनी, एंड अटैकर्स ने यहाँ पर उनका यूज़ किया। तो ये चार लेसन्स थे हमारे लिए, तो देखते हैं हम इसको फ्यूचर में कैसे यूज़ कर पाते हैं।